तो बेटा आज ना हम क्या एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका है उस चैप्टर का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी एनसीईआरटी में ये थर्ड चैप्टर दे रखा है। कौन सा? थर्ड चैप्टर। थर्ड ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था प्लांट वाला पार्ट कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम देख रहे हैं ह्यूमन वाला पार्ट। यार ह्यूमन वाले पार्ट में ना आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, आपको बहुत इजी भी लगता होगा, काफी कुछ टेंथ में भी पढ़ा है। बस उसको अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ते हैं। जो हम टेंथ में पढ़ते हैं वो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। अब वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यस जैसा मिस कि मैम। आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पता होता है, दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? एक मेल होता है और एक फीमेल होती फीमेल है। कि यार फीमेल का बन मेल में मेल गैमिट जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, मेल गैमिट क्या होता है बेटा? स्पर्म। ठीक है, क्या होता है? स्पर्म। फीमेल में फीमेल गैमिट कैसे बनता है बेटा? क्या होता है? या फिर हम उसको बोल देते हैं ओवम। क्या बोल देते हैं बेटा? ओवम। तो यार आखिर ये स्पर्म और ये जो ओवम है ये बनता कैसे है, हमें चैप्टर में ये जानना है। ठीक है, ये जानना है कि ये बनता कैसे है। ठीक है, यस मैम। चलो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये हम देखेंगे स्पर्म कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है। पर उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी तो होगा कुछ, कि वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा दिखता है, वो हमें देखना है इस चैप्टर में। और दूसरी तरफ वही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, कैसा दिखता है, वो हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टफ रहता है। क्यों? क्योंकि जो सारा प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। एक मेल का क्या काम है? मेल का जो एक गैमेट दैट इज स्पर्म एक रिलीज होता है और इवेंचुअली जाता है किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब सारा प्रोसेस वहां पे इम्प्लांटेशन, वहीं पे फर्टिलाइजेशन, वहीं पे बेबी का डेवलपमेंट, वहीं से उसका बाहर होना, रिलीज होना, सब फीमेल में तो चल रहा है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किसका आ गया? फीमेल का, है ना? आ गया कि नहीं आ गया? मानते हो कि नहीं मानते हो? ये मेल वाला तो छोटा सा पार्ट है। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं ना बेटा, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इज दैट क्लियर? करें स्टार्ट यस फिर। मैम। चलो, ये मैंने आपको ना बेसिकली चैप्टर की समरी दी है कि चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं अपन, है ना? पता होना चाहिए आपको कि बस मैम आई शुरू कर दिया कि अरे भाई लो लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यार देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि यार जो भी चीजें कंप्राइज होके पूरा एक सिस्टम बना दे रहे हैं जिससे वो पूरा फीमेल हम कैरेक्टराइज कर दे रहे हैं कि भैया ये फीमेल है वो। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कुछ छोटे 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 ऑर्गन्स हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ असेसरी है, एक एक्सटर्नल भी है, कुछ कुछ इंटरनल भी है। तो वो सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंट है बेटा वो है हमारा ओवरीज का पेयर। क्या? ओवरीज का पेयर, यानी दो ओवरीज प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमारे दूसरा जो प्रेजेंट है वो है बेटा पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का पेयर। कोई मुझे बताएगा कि ओविडक्ट को हम और क्या बोलते हैं? फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब। ये देखो, बोली थी मैं ये सारा चैप्टर ये ऐसे पढ़ के बैठते हैं। तीसरा जो है वो होता है यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस को और क्या बोलते हैं बेटा? वूम। क्या बोलते हैं बेटा? वूम। इज दैट क्लियर? यस पॉइंट जो है वो है हमारा सर्विक्स। क्या है बेटा? सर्विक्स। ठीक है, फिफ्थ जो होता है वो होता है विजाइना। क्या होता है? विजाइना। और सिक्स्थ जो होगा कोई मुझे बताएगा? एक्सटर्नल ग्लैंड।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। और एक और अगर हम कोई इनके साथ अगर इन सबके साथ मिला दे तो एक और होता है मेमोरी ग्लैंड। क्या होता है बेटा? मेमोरी ग्लैंड। अब आपको लग रहा है इसके अलावा कुछ और होता है? नहीं ना, सिर्फ यही होता है ना, जो भी होता है। यस मैम, है ना बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सबको एक एक को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है, किसके अंदर क्या क्या हो रहा है। राइटिंग सबको समझ आ रही है ना? यस मैम, आ रही है, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरीज। तो बेटा दो ओवरी प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। अब ना सबसे पहली बात, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है सबसे। हर एक ओवरी एक ओवम रिलीज करती है। क्या करती है? एक ओवम रिलीज करती है। इज दैट क्लियर? और ओवम क्या है हमारा? फीमेल गैमेट है। क्या है? फीमेल गैमेट। अभी मैंने आपको बताया था ना लास्ट वाली स्लाइड में, यस मैम, ठीक है। तो आपको क्या लगता है एक ओवरी और क्या रिलीज कर सकती है? एक तो देखो उसने ओवम रिलीज किया है ना, और दूसरा वो रिलीज करती है ईस्ट्रोजन हॉर्मोन। क्या रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन हॉर्मोन। ये दो चीजें हैं जो वो रिलीज कर रही है। इज दैट क्लियर? ओवरी क्या क्या रिलीज कर रही है? एक ओवम और एक ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन के ना बेटा बहुत सारे फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है इसके, और वो फंक्शन क्या है वो हम अभी थोड़ा लेटर देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओवरी डक्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बनाऊंगी, डायग्राम बना के दिखाऊंगी। पहले हम आ जाते हैं यूट्रस पे। किस पे आ जाते हैं? यूट्रस पे। बेटा ये जो यूट्रस है इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी आ जाते हैं सबसे पहले और किस पे आ जाते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ और उससे आपको काफी सारी चीजें ना क्लियर हो जाएगी। आपने एनसीईआरटी में ये वाला आपके ना डायग्राम बना हुआ होगा कुछ। देखो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ट्राई टू, ठीक है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर जा रहा होगा, है ना। ऐसे आपको कुछ नजर आती है टीम है? यस मैम। है ना, चलो ये होता है हमारा है, फिर भी काफी सही बन गया ये, है ना। तो चलो अभी मैं आपको बताती हूँ ये वाला जो पोर्शन है। मैंने आपको सबसे पहले बोला ओविडक्ट, ओविडक्ट बोले तो फेलोपियन ट्यूब। तो बेटा जो सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब है ना उसमें ना तीन पोर्शन होते हैं, एक होता है इस्थमस, दूसरा क्या होता है एम्प्यूला, और एक क्या होता है बेटा इनफंडी, ठीक है। तो इनफंडिब्यूलम वाला कौन सा पोर्शन है? ये आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के पास जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, इसको हम कहते हैं क्या? इनफंडिब्यूलम। इससे फिर ऊपर जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये इससे नैरो डाउन होता हुआ आपको आगे जो बढ़ रहा है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। फिर क्या आपको दिख रहा है? ये एम्प्यूला और आगे जा रहा है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं इस्थमस। तो जो इस्थमस है वो आगे इसके अंदर ओपन हो जाता है, किसके अंदर? यूटेराइन फंडस के अंदर। किसके अंदर बेटा? यूटेराइन फंडस के अंदर। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखो आपको मैंने क्या बोला, और हाँ ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या बताओ? ये ओवरी क्या करते हैं हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया ओवम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज ओवम। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्रे, ये ऐसे जब भी कोई ओवम रिलीज होता है
उसको पकड़ते हैं और इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा लेकर आते हैं, और ये पूरा जो अपना प्रोसेस है ना वो इसी के अंदर चलता रहता है कि मतलब यहाँ से कलेक्ट करेंगे, फिर वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पे कुछ कुछ होगा, क्या होगा वो मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, यूट्रस। ये आपको ये जो दिख रही है कैविटी दिख रही है, ये yes, ma'am. है ना, इसको yes, ma'am. हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। तो ये जो पूरा पोर्शन है नीचे वाला, ये है हमारा यूट्रस। तो बेटा यूट्रस की ना कुछ लाइनिंग होती है, क्या कुछ लाइनिंग होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीन लाइनिंग होती है बेसिकली। देखो सबसे पहली लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ये कलर दिख रहा है ना आपको ब्लू वाला, ये इसको कहते हैं ब्लू कलर। और कोई सा कलर चेक चेंज कर लो, बताओ कौन सा लूं, ग्रीन ले लूं? यस मैम, ब्लैक पे सही दिख रहा था मैम, ब्लू सही नहीं दिखता। ठीक है, ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन नम थोड़ा डार्क लीजिए, छोड़ो एक सेकंड रुको, रेड वाले चल रहे जाता, रेड ही बेस्ट है ना। देखो ये वाला जो पोर्शन है अंदर, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम के थोड़ा सा जो बाहर होगी बीच में ये वाली जो लाइन होगी, इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, और इसके भी बाहर यहां से जो है इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। समझ आया आपको? देखो अब ना जो मायोमेट्रियम है, देखो इनके ना मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम इन दोनों के कुछ फंक्शन है। जैसे मैं आपको बोलूं एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है, बताओ बेटा। जो एंडोमेट्रियम है ना वो कंटिन्यूअसली, आपको एक पता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, तो कंटिन्यूअस एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं। जैसे एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई, टूट गई, तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमारे एंडोमेट्रियम थिकन होना स्टार्ट हुई, तो हमारे बाकी के जो रिमेनिंग 20 to 24 डेज होते हैं वो चलते हैं। तो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं किसके अंदर, साइक्लिकल चेंजेस आते हैं हमारे एंडोमेट्रियम में फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर हमारी दूसरी होती है मायोमेट्रियम। क्या मायोमेट्रियम, इसका क्या काम है बेटा? मायोमेट्रियम का काम है जब हमारे बेबी डिलीवर होता है ना, तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं, जो बेबी को रिलीज करते हैं, वो हमारे किसके अंदर होते हैं, बोलो, मायोमेट्रियम। हाँ समझ पड़ी बात। फिर जो पेरीमेट्रियम आपको दिख रही है बेचारी, एक बज गई है, वो सबसे एक्सटर्नल है, तो वो कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम कर रही है। समझ पड़ी आपको बात? यस। तो तीनों के रोल समझ आ गए हैं आपको अच्छे से, रोल yes, समझ आ गए ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या बेटा, ये देखो, ठीक है, कम हो गया, ठीक है, यहीं पे अपन रुकते हैं। और यहाँ पे अपन, जैसे मैंने इसके बाद आपको बोला था, अपन ये पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके अंदर भी ना बहुत सारे पोर्शन होते हैं, कि मतलब बाहर से ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखता कैसा है, क्या इसके अंदर होता है, वो अपन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है बेटा, मॉन्स प्यूबिस। कौन सा? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है बेटा। सबसे बाहर जो एक्सटर्नल फैटी टिश्यू टाइप का जो होता है ना, कुशन होता है, एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, उसको हम बोलते हैं बेटा मॉन्स प्यूबिस, जिसके ऊपर ना थिन हेयर और थिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। फिर आता है हमारा मॉन्स प्यूबिस के बाद लेबिया मेजोरा। क्या? लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये भी एक फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फ्लैशी फोल्ड्स। कहाँ पे?
ये हमारा ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है ना बाहर की तरफ जहाँ पे लाइक हेयर्स प्रेजेंट होता है, उसके अंदर की तरफ जो जाता है उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा. इज दैट क्लियर? यस मैम. समझ आया? और ये किसको सराउंड करते हैं? ये सराउंड करते हैं ऑब्वियस वजाइनल ओपनिंग को. ठीक है, वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं. इज दैट क्लियर? फिर आता है हमारा लेबिया माइनोरा. यार ये लेबिया मेजोरा था, ये लेबिया माइनोरा है, तो सबसे बाहर जो था वो लेबिया मेजोरा, और वो उसके अंदर भी थोड़ा सा इंटरनल पेयर फोल्ड जो बच जाते हैं वो होते हैं लेबिया माइनोरा. क्या होते हैं? लेबिया माइनोरा. इज दैट क्लियर? यस मैम. अब हमारा इसके बाद आता है एक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं हाइमन. क्या बोलते हैं बेटा? हाइमन. हाइमन एक छोटी सी ना एक कवरिंग बोल सकते हैं, जिसका माना जाता है पहले के टाइम में लोग मानते थे कि वो एक सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी के अंदर हाइमन है तो इट इज लाइक दैट पर्सन इज वर्जिन और उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं किया है. ठीक है, और अगर उसके पास हाइमन नहीं है तो मे बी सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त वो हाइमन टूट गया होगा. बट अभी का देखा जाए तो अब जैसे साइंटिफिक रिसर्च हुई तो ये माना गया कि हाइमन का उसे कोई लेना देना नहीं होता है ना, बिकॉज क्योंकि जो हाइमन है वो कभी भी ब्रेक हो सकती है, कभी भी ब्रेक हो सकती है, चाहे फिर वो कोई सी भी स्पोर्ट एक्टिविटीज हो या कोई भी नॉर्मल एक्टिविटीज भी हो उसमें वो टूट जाती है. इज दैट क्लियर? यस. तो वो ये हाइमन क्या है? वो जो अपने बेटा वजाइना की जो कवरिंग होती है ना इंटरनली उसको हम बोलते हैं हाइमन. इज दैट क्लियर? फिर एक होता है क्लाइटोरिस. क्या होता है क्लाइटोरिस? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो लेबिया मेजोरा आपको दिखा, लेबिया माइनोरा आपको दिखा, ठीक है, और आपको एक यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है. क्या होती है? यूरेथ्रा की ओपनिंग, उसके ऊपर जो है वहां पे ये प्रेजेंट होता है. अबव यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है. इज दैट क्लियर? यस. इट इज प्रेजेंट, है ना? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया ना? ये बिल्कुल ना इंटरनल पोर्शन था. अब यहां से जैसे बाहर जब चलते हैं ना, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा वजाइना. ये जो बाहर एक्सटर्नल विजिबल होता है ना वो इतना पोर्शन होता है. ठीक है, और इसी को अभी हमने डिटेल में पढ़ा है कि इसके अंदर क्या क्या विजिबल होता है, कैसे कैसे विजिबल होता है, और ये तो पूरा अंदर वाला है. ठीक है? यस मैम. ये आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं. देखो तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका है कि ओवरी क्या है, ओविडक क्या है, ओवरस क्या है, विजाइना क्या है, सर्विक्स ये जो लाइनिंग है जिसके थ्रू अपन अंदर लीड करेंगे, बर्थ कैनाल ये बाहर हो गया विजाइना. अब अंदर हमें यूट्रस में जाना है तो एक केनाल आ रहा है ना, ये आपको बीच में केनाल दिख रहा है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं बेटा? यस सर्विक्स. ठीक है, इट इज केनाल, और इसको हम बर्थ केनाल भी बोलते हैं. क्या बेटा? बर्थ केनाल, क्योंकि बर्थ जो है वो इसी रास्ते के होके थ्रू, बेबी इसी के रास्ते के थ्रू बाहर आता है. ठीक है, हमने एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ लिया है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम देखते हैं क्या मेमोरी ग्लैंड्स. क्या देखते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स, ये तो बहुत इजी है यार. मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, स्टार्ट करें. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो. चलो अभी जैसे कि ना ऐसा होता है कि बाहर आपको एक छोटा सा बस एक निप्पल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो विजिबल होता है, जिसके थ्रू बेबी जो मिल्क होता है उसको सक्ड आउट करता है. बट ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? अंदर ना बहुत सारे ऐसे करके डक्ट्स मिल मिलके कुछ कुछ बना रहे हैं. पहले टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज मिलके डक्ट बनाते हैं. तो उसका सीरीज मैं आप लोगों के सामने लिखने जा रही हूँ. ठीक है, तो आपको सीरीज को याद रखना है. ठीक है,
ठीक है। देखो सबसे पहले ना अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू हमारे क्या मिलके बनाते हैं? मेमोरी लोब। क्या बनाते हैं? मेमोरी लोब। कितने मेमोरी लोब बनते हैं? कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब बनते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू ने मिलके बनाया हमारे मेमोरी लोब। 15 से 20 मेमोरी लोब बन गए, वो हमारे क्या बनाएंगे बेटा? कोई मुझे बताएगा? एल्वियोलाई। ये नाम बहुत ज्यादा हमने सुना होता है, क्यों? क्योंकि ये जो एल्वियोलाई है ना, आपसे पूछा जाए मिल कहाँ पे सिक्रीट आउट होता है, वो हमारे होता है एल्वियोलाई। बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीज है सिक्रीट आउट और ल्यूमेंस में होता है ना? क्या? ल्यूमेंस में। हाँ हाँ, ल्यूमेंस में सिक्रीट आउट और सक्ड आउट। सक्ड आउट निप्पल के थ्रू होता है, अंदर जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर सिक्रीट कहाँ पे होता है? वो होता है हमारे एल्वियोलाई पे। इज दैट क्लियर? समझ पे रहा? yes, अब बहुत सारे एल्वियोलाई मिलके क्या बनाते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या बनाते हैं बेटा? मेमोरी ट्यूब्यूल। अब ये फर्दर मेमोरी ट्यूब्यूल आके जुड़ते जाते हैं क्या? ज्वाइन होते जा रहे हैं यार, ऑब्वियस सारे पोर्शन। ये तो बहुत सॉर्टेड सी बात है। ये आगे जाके हमारे बनाएंगे नहीं, पहले मेमोरी डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रिसाइसली? मेमोरी डक्ट। इज दैट क्लियर? अब मेमोरी डक्ट भी फर्दर आगे ज्वाइन होगा और क्या बनाएगा बताओ? एम्प्यूला। वेरी गुड, मेमोरी एम्प्यूला। एम्प्यूला आगे जाके क्या बनाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके क्या बनाएगा? बाहर आउट होता है यहाँ तो। हाँ, तो बाहर हमारे ये एक स्ट्रक्चर में लैक्टिफेरस डक्ट बिल्कुल बाहर की तरफ से, ये जो अपने स्किन होता है जस्ट उसके अंडर प्रेजेंट होता है, और ये बाहर निप्पल में प्रोजेक्ट आउट हो जाता है, ठीक है। और वहां से हमारे क्या होता है बेटा? जो मिल्क है, मिल्क इज सक्ड आउट बाय बेबी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें थी, एक सिक्रीट था और एक सक्ड था। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो। सक्ड और सिक्रीट दोनों अलग अलग चीजें हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो आपके यहाँ पे कवर हो चुकी है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सॉर्टेड, ठीक है। हो गया ना सॉर्टेड? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए एक बार स्लाइड दे बता। क्या? यही बस एक। हाँ, ये मैं आपको शेयर करूंगी स्लाइड, टेंशन मत लो, ये एज इट इज स्लाइड में आपको भेज दूंगी, ठीक है। ओके। अब ना अपन स्टार्ट कर रहे हैं यार, इतनी देर से ना अपन एक चीज के बारे में बात कर रहे थे, मेल गैमेट, ओ सॉरी माय बैड, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ओवम, ओवम, ओवम। तो यार हमें ये जानना बहुत जरूरी है, आखिर ये जो ओवम, जो बला है, वो बनी कैसे है? तो ये जो बला है, ये बनी कैसे है, हम इसको जानना चाह रहे हैं। किसको? ओवम को। कैसे बनी है, ठीक है? दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ओवम इज नोन एज ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फीमेल गैमेट विच इज ओवम, ठीक है बेटा। तो वो कैसे बना है वो हमें जानना है, ठीक है। यस मैम। चलो तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि ये थोड़ा आई थिंक बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें? यस मैम। ठीक है, चलो देखो क्या है। सबसे पहले ये जो पूरा प्रोसेस है ना,
हमारा फीमेल गैमेट का बनने का, ओवम का, ये हमारे कहाँ पे शुरू हो जाता है? जब हमारा फीटस के अंदर सेक्स डिटरमाइन हो जाता है मेल है या फीमेल है, है ना? जैसे ही सेक्स डिटरमाइन हो गया, ठीक है, कि भैया वो फीमेल है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वहीं पे शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस वहीं पे स्टार्ट हो जाता है हमारा ओवम का बनना। कैसे होता है? देखो, जब कोई भी फीटस होता है, फीमेल फीटस, यहाँ पे फीटस का नाम फीमेल है, ऑब्वियसली बात है, मेल में तो ये नहीं बन रहा। वहां पे क्या होता है, देखो, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, उगोनिया। क्या बोलते हैं? उगोनिया, उगोनिया। तो ये हमारे जो फीमेल फीटर ओवरी होती है ना, फीटर ओवरी, ऑब्वियस अगर फीमेल है तो उसके दो ओवरी होंगे, तो ये वहीं पे बनना शुरू हो जाता है। पर वहां पे क्या बनता है? ओगोनिया। ये इतने होते हैं, कपल ऑफ मिलियंस में ये बनते हैं। कितने? मिलियंस में। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। ये ओगोनिया मिलियंस में बन रहे हैं जब फीटस है ना, है वो अभी जब है ना उसका बर्थ नहीं हुआ, ये मिलियंस में बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। और जब उस स्ट्रक्चर को ओवरी में, एक सेकंड रुको, ये जो ओवरी है ना, इसके अंदर जो प्रेजेंट है, जब बड़ा होता है तब तो आपको पता है, हाँ, जो मैच्योर होता है उसके अंदर तो ये क्या रिलीज करता है? ओवम, है ना? पर अभी इससे पहले इसके अंदर ओवम है, मैच्योर में, पर अभी जब ये पेट में होता है ना मदर के, तब इसके अंदर ओगोनिया प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ, हमारे जो ये फीटल ओवरी थी ना बेटा, अब इसका क्या हो चुका है? बर्थ हो चुका है। अब ये फीटस नहीं रहा, अब ये पैदा हो चुका है। जब ये पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, उस पॉइंट पे, बर्थ वाले पॉइंट पे, ये जो ओगोनियों का बनना था ना, ये जो बने जा रहे थे, मिलियंस में बने जा रहे थे, इसका बनना एकदम से रुक जाता है। और जिस स्टेज पे रुकता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन। क्या बेटा? प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन, ठीक है। जब ये बनना रुकता है, जब ये बहुत सारे बन रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तब तो ये ओगोनिया है। अब जैसे ही बर्थ हुआ, ये रुक जाते हैं इस वाली स्टेज पे, और रुक जाते हैं तो इस ओगोनिया को हम बोल देते हैं उस वक्त क्या? प्राइमरी ओसाइट। क्या बोलते हैं? अब ये बन चुका है हमारा प्राइमरी ओसाइट बर्थ पे, ठीक है। अब इसका नाम ओगोनिया नहीं है, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये बर्थ से लेके इसका जो प्यूबर्टी वाला स्टेज होगा, कौन सा? प्यूबर्टी वाला जो स्टेज होगा, है ना, 12 टू 13 ईयर जिसको बोलते हैं, कि अभी प्यूबर्टी नहीं आई है, इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, तब तक ये प्राइमरी ओसाइट बैठा बैठा क्या करेगा? खाली तो बैठा है, तो तब तक ये क्या करता है? बर्थ से लेके हमारे प्यूबर्टी तक इस प्राइमरी ओसाइट के अराउंड ना कुछ कुछ लेयरिंग आना स्टार्ट होती है बेटा। क्या? कुछ कुछ लेयरिंग आना स्टार्ट होती है। और साथ ही साथ एक जो इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताऊं, एक सेकेंड, प्राइमरी ओसाइट के अराउंड जो लेयरिंग होती है, कोई मेरे को बता सकता है उस लेयरिंग को क्या कहते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स। वेरी गुड। और फिर वो ग्रैनुलोसा सेल की तो वो लेयरिंग होती है, उस लेयरिंग को क्या कहते हैं? प्राइमरी फोलिकल्स। वेरी गुड। सबको समझ आया? बताओ। देखो, ये जो एक होता है इसकी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स। ये क्या करते हैं? इसको ना लाइन करना स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ओसाइट एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, उसको अराउंड करना स्टार्ट करते हैं। अब ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ग्रैनुलोसा अराउंड करना करते हैं शुरू, और बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट है, ये छोटू सा प्राइमरी ओसाइट है। अब इसके अराउंड ना ऐसे करके स्ट्रक्चर एक लेयरिंग होना स्टार्ट होती है। तो अभी आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल तो बर्थ पे बन चुका है ना बेटा। तो हमारे बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक
सिर्फ पता है आपको कितने से क्या नाम है, कितने ये प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, ओनली कितने बचते हैं बताओ प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल कितने बच रहे हैं? 60,000 टू कुछ 80,000 स्ट्रक्चर होते हैं जो बचते हैं, बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। आप देखो ना, शुरुआत हुई थी कितने से, मिलियन से शुरू हुई थी, मिलियन से यहाँ पे बनना रुक गया था, यहाँ पे बनना रुक गया और इसको फिर प्राइमरी ओसाइट को फिर प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया, और बनना रुकने के बाद यहाँ से तो पूरा डीजनरेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, ठीक है, और प्यूबर्टी तक वो 60,000 से सिर्फ 80,000 बच्चे, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस जो है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में, किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये फर्दर किसमें कन्वर्ट होता है, टर्शियरी फॉलिकल में। कैसे, यार देखो प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, लेयरिंग होना स्टार्ट होगी, और लेयरिंग होना स्टार्ट होगी, फिर और ग्रैनुलोसा सेल आएंगे, इनकी लेयरिंग होना स्टार्ट होगी, ठीक है। यस यस मैम। और हाँ, ये हर एक ओवरी में होते हैं, टोटल 60,000 टू 80,000 नहीं होते, 60,000 टू 80,000 इस ओवरी में, 60,000 टू 80,000 इस वाली ओवरी में, ठीक है, दोनों ओवरी में अलग अलग। अब क्या हो चुका है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल जो है, हम उसको ना एक स्ट्रक्चर से मार्क्ड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताओ, ये क्या है हमारा बेटा, प्राइमरी ओसाइट था, इसके अराउंड ये लेयरिंग हो गई है, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, ये हमारा ऑब्वियस प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है, ये हमारे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। यस मैम। ये है हमारा स्ट्रक्चर, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल। ये जब टर्शियरी फॉलिकल बनता है ना, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, ऐसे करके एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है येलो कलर की, येलो कलर की, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज नोन एज एंट्रम। इज दैट क्लियर? तो इट इज मार्क्ड बाय टर्शियरी फॉलिकल, ये इसकी खूबी होती है। समझ आया आप लोगों को? Yes. अब इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये प्राइमरी ओसाइट है ना, क्या है बेटा, ये प्राइमरी ओसाइट है। अब देखो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये कायनात चले जा रहा है। अब क्या होता है यार, वो थक गया, प्राइमरी ओसाइट बोल रहा है यार अब मुझे भी बड़ा होना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या, ये प्राइमरी ओसाइट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही बड़ा होना स्टार्ट हो रहा है ना, हो रहा है। और जब ये बड़ा हो रहा है तो इट कंप्लीट क्या करता है, कंप्लीट प्राइमरी ओसाइट, सॉरी ठीक है, कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। तो अब जैसे देखो, ये प्राइमरी ओसाइट का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी डिवाइड हुआ, तो ये दो चीजों में डिवाइड होता है, किसमें बताओ, कोई मुझे बता सकता है, सेकेंडरी ओसाइट, ये बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट, और एक फर्स्ट हैप्लॉइड बॉडी, ठीक है। अगर सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे डिवीजन हुआ है, तो ये प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉइड था या हैप्लॉइड था, कौन से मैम, प्राइमरी, हाँ प्राइमरी ओसाइट मैम डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, तभी तो ये डिवाइड होके एक हैप्लॉइड बनाया और एक हैप्लॉइड बनाया ना बेटा। यस मैम। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है, पहले प्राइमरी ओसाइट था, अब सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है। तो अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट बना है, ठीक है,
अब ये प्राइमरी ओसाइट होके सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ना, ये क्या करता है? हाँ, इस सेकेंडरी ओसाइट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। जिसको हम ढूंढ रहे थे ना कि वो बनता कैसे है, उसको बोलते हैं अब हम ओवम। तो बेटा ये जो ओवम है, इसके अराउंड कुछ कुछ लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है। क्या? इसकी लेयरिंग होना स्टार्ट होती है। और वो लेयरिंग कौन से सेल्स की बनती है? ग्रेनुलोसा सेल्स की। किसकी? ग्रेनुलोसा सेल्स की। इज दैट, सॉरी माय बैड, दैट जोना पेलुसिडा। किसकी? जोना पेलुसिडा। इज दैट क्लियर? और ये जो टर्शियरी पॉलिकल था, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना रेड रेड, ये रेड रेड वाला स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुआ है इसके अंदर बड़े एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, बाकी सारी लाइनिंग वगैरह यही चल रही है सेव, है ना, प्राइमरी ओसाइट ये। ठीक है, बस ये वाला स्ट्रक्चर जो है अभी सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है। ठीक है, और इसने हैप्लॉइड जो बॉडी है उसको रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो अब ये और इसके अराउंड, इस ओवम के अराउंड एक नई लाइनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा। ठीक है, और इसके अराउंड ये जो हमारा टर्शरी फॉलिकल दिख रहा है ना, इस टर्शरी फॉलिकल के अराउंड भी एक नई लाइनिंग शुरू होती है। कोई मुझे बताएगा उसको क्या बोलते हैं? ग्राफीन फॉलिकल्स। वेरी गुड, उसको बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा ग्राफियन फॉलिकल में। पहला था प्राइमरी फॉलिकल, फिर हमारा था सेकेंडरी फॉलिकल, फिर हमारा था टर्शरी फॉलिकल, फिर एक और अगर लाइनिंग आ जाती है तो उसको हम बोल देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा कि इस टर्शरी के अराउंड जो लाइनिंग आई उसको बोला ग्राफियन फॉलिकल, और ओवम के अराउंड जो लाइनिंग आई है उसको हमने बोला जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब एक टाइम आता है जब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, ये फट जाता है। क्या करता है? फट जाता है। और ये फट जाएगा तो क्या होगा? क्या ये बाहर नहीं निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा ना? तो ये ओवम जब रिलीज होता है, आपने सुना होगा 14th डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे हमारे ओवम रिलीज होता है। सुना है आपने? सुना है? तो जो सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हुआ है 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूलेशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देखो पूरा प्रोसेस कहां पे हुआ था स्टार्ट? ओगोनिया से स्टार्ट हुआ था। ओगोनिया से बोले तो कि हमारी जो ओवरी थी, फीटल ओवरी थी, उसमें मिलियंस ऑफ ओगोनिया प्रेजेंट थे। इधर भी ओवरी में ओगोनिया प्रेजेंट थे, इधर भी ओगोनिया प्रेजेंट थे। अब हमारा क्या होगा? बर्थ। बर्थ के टाइम पे उसको हम ओगोनिया नहीं बोलते, बर्थ के टाइम पे हम उसको बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओसाइट। समझ पड़ गया? क्योंकि यहाँ पे ना ओगोनिया अभी तक बहुत सारे बने जा रहे थे, बर्थ के टाइम पे ये आके रुक जाते हैं और इस पॉइंट पे रुकते हैं। ठीक है, तो इस प्राइमरी ओसाइट को ना, अब ऑब्वियस बर्थ हुआ है तो उसके अराउंड, उस प्राइमरी ओसाइट के अराउंड देखो कुछ कुछ लेयरिंग होना स्टार्ट होती है। पहली होती है प्राइमरी फॉलिकल की लेयरिंग। ठीक है, सॉरी, प्राइमरी फॉलिकल की लेयरिंग होना स्टार्ट होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, ये जो प्राइम एक ही, अभी एक ही लेयरिंग आती है बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, सिर्फ एक ही लेयरिंग आती है, वो होती है प्राइमरी फॉलिकल, ये वाली। ठीक है, ये वाली बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल थे, ऑब्वियस ये बात है, मिलियंस में बने थे ना, मिलियंस में, उनको डीजनरेट होना होता है बर्थ प्यूबर्टी तक, और वो बच जाते हैं 60,000 से 80,000। जब वो 60,000 से 80,000, इधर 60,000 80,000, इधर 60,000 80,000 बच गए, अब उनका क्या होगा? प्यूबर्टी से डीजनरेशन। क्या होगा? डीजनरेशन। कैसे? सबसे पहली बात, यहाँ पे उस वक्त से जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहले कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल के बाद हमारा कन्वर्ट होता है वो
किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल में हमारा क्या होता है बेटा, ये जो प्राइमरी ओसाइट है ना ये डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट हैप्लोइड पोलर बॉडी में। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसी को हम बोलते हैं ओवम। ओवम तो हमारे टर्शरी फॉलिकल में आ गया, तो ये जो ओवम है इसके अराउंड भी एक लेयरिंग आना स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा, और इस टर्शरी फॉलिकल के अराउंड जो लेयरिंग आई है उसको हमने बोल दिया है ग्राफियन फॉलिकल। अब एक टाइम आता है जब बहुत ज्यादा एक हार्मोन होता है LH वो बढ़ता है, वो मैं अभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो हाँ बढ़ता है, तब क्या होता है ये बर्स्ट हो जाता है और ये ओवम रिलीज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ आया? Yes, ma'am. और ये जो सेकेंडरी ओसाइड है ना ये थोड़ा बिग स्ट्रक्चर होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी ये थोड़ा सा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या होता है ये सारा रिजर्व न्यूट्रिशन जो होता है ना वो हमारे सेकेंडरी ओसाइट में प्रेजेंट होता है। क्या? सेकेंडरी ओसाइट में हमारा बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। कोई भी लिविंग चीज है, कोई भी सेल है, उसके अंदर न्यूट्रिशन तो चीज पड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना बेटा। समझ पड़ी बात कि नहीं पड़ी? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब यहीं से नहीं है ना किसी को, पहले मुझे ये बताओ, 2 सेकंड का ब्रेक लो, पहले मुझे बताओ समझ आया नहीं आया? आगे मैं सुन। एक ही बच्चे को आया, बाकी के सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैम आ गया समझ। आ गया ना? देखो सबसे हार्ड वो था, ये इस चैप्टर का सबसे हार्ड पोर्शन था। यस मैम। ठीक है, आ गया है ना? 5 रेटिंग में से 5 दे दू फिर मैं इसको, इस टॉपिक को, कि नहीं दू? कि 4 दू 3 दू 2 दू 1 दू, कितना आया? क्या मैम? 7 दे दो। 5 दे दू? कितनी रेटिंग दू आपको? 5 में से कितना समझ आया? 5 मैम, पूरी दे दो, 5 में 5 ही मेरे को, और किसी को पता नहीं। ठीक है, 5 में से 5 दे दिया। कोई है ना सर 5 में से 1 वाला, उसको बहुत पीटूंगी मैं। ठीक है चलो, क्योंकि मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया यार। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे यार सुनो एक बात बताओ, मैं तुम्हें इसका दूसरा एक डायग्राम भी बनाऊं क्या, एक बार दिखाऊं क्या वैसे वाला भी डायग्राम, अगर कंफ्यूजन है तो? कि समझ आ गया? समझ आ गया मैम। क्या किसी को देखना है कोई और भी इसका डायग्राम? नहीं देखना। चलो तो फिर स्टार्ट करें मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस मैम। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना बेटा, मैंने आपको क्या बोला, ओवम रिलीज हुआ था, ये सारा प्रोसेस था। सबसे अच्छी बात है ये दोनों आपके ना एक ही साथ आ जा रहा है। देखो जी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है ना, किसमें? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है ना? स्टार्ट कब हो रही है? प्यूबर्टी पे। तो इसको उस वक्त हम क्या बोल देते हैं? मीनार्क। क्या बोल देते हैं? मीनार्क। वहीं ये कहां पे खत्म हो रही है? ये हमारे 40 ह्यूमन फीमेल में अगर हम बात करते हैं तो कुछ 45 मान लो आज के टाइम में, या 50 मान लो, इस टाइम पे प्यूबर्टी बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। अब ये जो साइकिल इवेंट है ना, ये जो साइक्लिकल इवेंट है जो पूरा चलता है, ये पता है कितने दिन का होता है? ये होता है पूरा 28 दिन का से 29 डेज का मानो। अब इतना लंबा आपके दिमाग में मेंस्ट्रुअल साइकिल आते ही वो आता होगा एक वो ब्लीडिंग स्टेज आता है कि नहीं आता है? पर नहीं, वो एक पार्ट है हमारा। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, पूरा जो महीने का टाइम पीरियड होता है, दैट ब्लीडिंग स्टार्ट होने से लेके रुकना,
फिर वापस वो ब्लीडिंग स्टार्ट होना, ये पूरा जो टाइम पीरियड है इसको एक साइकिल बोलते हैं। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि एक साल में कितनी साइकिल होती होगी फिर ऐसे? एक ईयर में 12 से ज्यादा होते होंगे। हाँ, एक ईयर में ये 12 साइकिल चलती हैं। ये तो आपको समझ आ गया ना? यस मैम। चलो, तो अब ये साइकिल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था वो एक मैच्योर मेल फीमेल गैमेट दैट इज ओवम वो रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, और उसी का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल है। तो अब यहाँ पे ना कुछ फेजेस होते हैं बेटा जिसके अंदर ये पूरा साइकिल चलता है। कितने फेजेस होते हैं कोई मुझे बताएगा टोटल? मेन अगर हम प्रिसाइसली बोलें तो बेटा 5 फेजेस होते हैं। कितने? 5 फेजेस। ठीक है, वैसे तो अगर बोल दो तो 3 फेजेस है, पर नहीं, हम अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे इसके अंदर ना 5 फेजेस है। कितने? 5 फेजेस। तो वो अभी हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फेज उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज, फेज फर्स्ट। इज दैट क्लियर? सेकेंड जो फेज होता है हमारा उसको हम बोलते हैं बेटा फॉलिक्यूलर फेज। आपको ये फॉलिकल वर्ड कहीं आया है पहले अभी इससे? यस मैम, हार्मोन्स का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ मैम, ये तो फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स में आ गया। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल पढ़े थे ना? यस मैम। फिर आता है हमारा ल्यूटियल फेज। कौन सा आता है? ल्यूटियल फेज, जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, और फॉलिकुलर फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोलिफरेटिव। इज दैट क्लियर? नहीं, इससे पहले वो लिखते हैं ऊपर को, ल्यूटियल बाद में, पहले ये लिख देते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। अब मैं लिखूंगी मैम। हाँ बेटा मैम, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग तो सबकी अवेलेबल है। देन मैम मैं लेफ्ट कर रहा हूँ फिर मैम। लेफ्ट क्यों करना है बेटा? मैम बैटरी डेटा दोनों खत्म। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, बाय मैम। फिर ओके ओके बेटा, फिफ्थ फेज जो है वो कौन सा है कोई मुझे बताएगा? मेनोफेज। हाँ बेटा होता ही नहीं है, गलती से बोल दिया था मैंने। ठीक है, फिफ्थ फेज नहीं होता, 4 फेज ही होते हैं। ठीक है, आई वॉज काउंटिंग रॉन्ग, माई बैड। ठीक है, तो ये 4 फेजेस के अंदर सब कुछ कंप्लीट होता है। तो अब वो क्या कैसे चल रहा है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ब्लीडिंग वाला फेज आता है कि नहीं आता है? तो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है कब से? फर्स्ट डे से। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है हमारे, वो हमारा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है बेटा क्या? पहला दिन। इज दैट क्लियर? समझ पड़ा? उस वक्त बेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, एक होती है एंडोमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, एक होती है पेरीमेट्रियम। तो वो जो एंडोमेट्रियम होती है ना बेटा, मैंने आपको बताया था वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है। तो एंडोमेट्रियम क्या करती है बेटा, इस वक्त ब्रेक डाउन हो जाती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो टूट जाती है। ठीक है, और वो टूटती है तो क्या होता है, वो बाहर हमारी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और उसके साथ वो टूटी है तो उसके अंदर कुछ वेसल्स भी होते हैं, है ना बेटा? तो उसके साथ साथ हमारे कुछ ना वेसल्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में हमारे बाहर आ जाता है। इज दैट क्लियर? समझ पड़ी बात? ठीक है, तो ये हमारे कितने दिन के लिए चलती है अप्रोक्स, ये वाली साइकिल कितने दिन का हम बोलते हैं? ये हम बोलते हैं प्रिसाइसली कि यार 5 दिन तक तो ब्लीडिंग चलती है, 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग चलती है। ठीक है,
समझ पड़ी बात? 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग चलती है या फिर मोल लेते 3 से 5 दिन तक चलती है, इज दैट क्लियर? किसी किसी में 5 से 7, किसी किसी में 3 से 5, ठीक है? ठीक है, तो अब 5 दिन बाद क्या होगा? जब ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उस वक्त हमारा स्टार्ट होगा दूसरा फेज, जिसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज या फिर प्लोरिफ्रेटिव फेज। प्लोरिफ्रेटिव फेज हमारे दिमाग में आता है, शुरू होता है मल्टीप्लीकेशन किसी चीज का। किसका मल्टीप्लीकेशन होगा बेटा? एंडोमेट्रियम का। मतलब अभी तक जो एंडोमेट्रियम टूटी थी उसको वापस रिकवर भी तो करना है, पूरे मंथ ब्लीडिंग ही तो नहीं होती रहेगी। तो कुछ 6th डे पे बेटा क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, और रिपेयर करते करते वो अपने आप को वापस क्या करती है, थिकन, मोटा होना शुरू करती है, वापस अपने आप को तैयार करती है नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट मंथ के लिए। इज दैट क्लियर? समझ आया? और साथ ही साथ ये तो एक इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट जो यहाँ पे होता है ना वो क्या होता है, हमने भी प्राइमरी फॉलिकल देखे थे ना बेटा, वो जो प्राइमरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस था ना पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल बनेगा, और ये ग्राफियन फॉलिकल, ये पूरा किस वक्त हो जा रहा है, हमारी ये जो सेकेंड स्टेज है ना फॉलिक्यूलर फेज, प्रोलिफरेट, किसी चीज का बढ़ना, मल्टीप्लाई होना, ये इसी स्टेज वाले वक्त हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब क्या होता है, इस वक्त ना एक हार्मोन होता है, दो हार्मोन बेसिकली, LH एंड FSH, ये दोनों बेटा क्या होते हैं, बढ़ना स्टार्ट होते हैं धीरे 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 धीरे, इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे 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 बढ़ते हैं, और ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, आगे भी बढ़ेंगे, है ना? तो देखो ये एक टाइम पे, ये जैसे LH हार्मोन जो है ना, ये एक टाइम पे इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, बताओ कितना बढ़ जाता है, कि पीक लेवल आ जाता है, और वो पीक लेवल आता है 14th डे पे, और ये LH सर्ज कहते हैं, ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, और जैसे ही ये बढ़ेगा हमारा हो जाता है ओव्यूलेशन, यानी रिलीज ऑफ ओवम। मैंने आपको बताया ना, एक पॉइंट आता है जब LH बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है और ये बाहर निकल जाता है, बताया था ना मैंने, इसको हम बोलते हैं LS। इज दैट क्या बेटा? LS तो ग्रोथ करने में हेल्प करता है ना क्या? हाँ, LH ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, बट एक पॉइंट आता है जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक पॉइंट अपना पीक आ जाता है उसका, तब वो उसको फाड़ देता है और हमारा ओवम जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। इज दैट क्लियर? वो तो FSH करता है ना। क्या मैम? वो FSH करता है ना। LH सर्च बोलते हैं? नहीं बेटा, FSH और LH ये दोनों मिलके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बट जो अटेन, एक सेकेंड, जो पीक लेवल जो आता है वो LH हार्मोन का आता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं LH सर्च। ये टर्म ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं LH सर्च, मतलब 14th डे पे LH का जो लेवल है वो बहुत पीक होता है। क्या होता है? पीक होता है, जिसकी वजह से ही ना हमारे ओव्यूलेशन होता है। ओके, ठीक है। पर मैंने 11 पढ़ा था कि LH ग्रोथ कराता है और FSH रिलीज कराने में हेल्प करता है। आप कंफ्यूज हो रहे हो, कभी नहीं, आप जो पढ़ोगे ना, LH और FSH दोनों ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, बट जो रिलीज कराता है ना वो LH होता है, तभी उसको नाम दिया गया है LH सर्च। कभी आपने FSH सर्च पढ़ा है? कभी पढ़ा है FSH सर्च? नहीं। इट इज LH सर्च, जो कि 14th डे पे होता है। इस यही LH सर्च क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है और हमारा ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा? ठीक है। Yes,
अब बेटा देखो क्या हुआ, ये हमारा ओवम तो रिलीज हो गया, देखो आपने ये वाला देखा, यहाँ पे हमारा ओवम रिलीज हो गया, पर ये ग्राफियन फॉलिकल फटा था, फटा था तो क्या, हमारा ग्राफियन फॉलिकल रह तो गया ना वहां पे, है ना, तो इस ग्राफियन फॉलिकल का क्या भाई, क्या कुछ तो होगा उस ग्राफियन फॉलिकल का, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम में, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम, कैसे, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम ना एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, इज दैट क्लियर। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो इस फेज को जैसे हमने बोला था लूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज, तो सिक्रेटरी फेज में कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे फॉलिकुलर फेज था तो इसमें प्रोलिफरेट किसका हो रहा था, प्रोलिफरेशन किसका हो रहा था, एंडोमेट्रियम का, ठीक है, यस मैम। तो देखो अभी देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, एक सेकेंड देखो, लेट से हमारा ये मैंने बोला ओवरी ने हमारा ओवम रिलीज कर दिया है 14th डे पे, है ना, ये हमने रिलीज कर दिया है, तो अब ना ये यहां से यहाँ पे चलना शुरू करता है धीरे 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 धीरे, यहाँ पे चलना शुरू करता है, ठीक है। अब जब ये चलना शुरू करता है वहीं पे, इफ इन केस आप मानो कि 14th डे पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हुआ है और इस रास्ते से यहाँ पे स्पर्म आ जा रहा है, यहीं पे स्पर्म आ रहा है और यहाँ पे ओवम आ जा रहा है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, मिल गए नहीं मिल गए, अरे हाँ ना मिल गए, यहाँ पे सिर्फ 14th डे का मैं बोल नहीं रही हूँ, आप 14th डे में प्लस 5 या प्लस माइनस 5 कर लो, ठीक है, तो क्या होता है ये मतलब मोस्ट वो वाला टाइम होता है जहां पे अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हो तो वो प्रेगनेंसी में लीड होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस वक्त ओवम रिलीज होता है, ठीक है, और उस वक्त क्या होता है कि यार मानो कि ओवम रिलीज हुआ ही नहीं है, यहाँ पे ही है वो, ओवम रिलीज नहीं हुआ है, स्पर्म अकेला क्या करेगा यहाँ पे आगे, कुछ नहीं, किससे जाके मिलेगा, 14th डे पे प्लस 14 और 14 में 4 जोड़ दो और 14th में 4 कम कर दो, तो ओवम तो रिलीज हो सकता है किसी भी वक्त, तो ओवम रिलीज होके यहाँ से ना यहाँ चलता है, यहाँ चलता है और यहाँ वो ये मिलते हैं, कौन से जंक्शन बोलते हैं, एम्बुलेटरी, मैं आपकी आवाज कट, आवाज कट रही है, क्या मेरी आवाज सबको कट रही है, सही है मेरी आवाज अभी, यस मैम, अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर, यस मैम, यस मैम, तो मैंने आपको बताया था ना, देखो ये एम्पुला, ये इस्थमस, तो ये जो जंक्शन है पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, अगर यहाँ पे अगर इन दोनों को मिल गया, ओवम और स्पर्म दोनों मिल गए, तो बोलते हैं हाई फाइव ब्रो, अपन दोनों मिल चुके हैं, अब अपन दोनों क्या करते हैं, मिलके हाँ हम प्रेगनेंसी को लीड कर देते हैं, उस वक्त अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होता है ना बेटा, उस वक्त अगर, हाँ उज्जवल बोलो, हो रही है फिर से वॉइस ब्रेक, एक सेकेंड, अब हो रही है, नो मैम,
तो अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो उस वक्त हमारी प्रेगनेंसी लेट हो जाती है, तो हमारे ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होना शुरू होता है। और अगर आप मानो अगर सिर्फ एग ही रिलीज हुआ है, अगर एग रिलीज हुआ है स्पर्म आया ही नहीं, तो क्या ये एग एज इट इज यहाँ से बाहर निकल जाएगा फीमेल से, है ना? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अगर स्पर्म आया ही नहीं तो कौन सी प्रेगनेंसी होगी? अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, स्पर्म सीधा बाहर निकल जा रहा है, तो ये जो फेज है ल्यूटियल फेज, वापस कहाँ पे चली जाएगी? हमारे मेंस्ट्रुअल फेज में, वापस हमारे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर स्पर्म आ गया है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, तो फिर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। यहाँ तक सबको समझ आया? पहले मेंस्ट्रुअल फेज थी, फिर फॉलिकुलर फेज थी जिसमें सारे फॉलिकल बने, ओव्यूलेशन ओवम रिलीज हुआ, फिर ल्यूटियल फेज आई। ल्यूटियल फेज डिसाइडिंग फेज है कि आगे क्या होने वाला है। उस वक्त अगर हमारे ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज के अंदर अगर हमारे क्या नाम है, स्पर्म आ गया, प्रेगनेंसी हुई, तो आगे ल्यूटियल फेज के आगे अब हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, बेबी का डेवलपमेंट, बेबी कैसे रिलीज होता है, लैक्टेशन, ये सब। पर अगर क्या हुआ, अगर हमारे प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो वापस ये हमारे क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है, टूट जाता है, और जो हमारे ब्लीडिंग है वो वापस स्टार्ट हो जाती है, और हमारे स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। आपको इस फेज के अंदर ये जितने भी फेजेस हैं आपको याद रखना है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, LH एंड FSH, ये चारों हार्मोन कब बढ़ रहे हैं, कब नहीं बढ़ रहे हैं, किसका लेवल कम हो रहा है, कब लेवल कम नहीं हो रहा है, आपको एक ग्राफ बना रखा होगा, ठीक है? ऐसे करके ग्राफ आपके NCERT में दे रखा है, उस ग्राफ को आप एक बार देखना और आपको समझ आएगा कि लेट्स, जैसे ये LH है, ये धीरे 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 ना बढ़ रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो LH सर्च होता है और फिर वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे है। तो दिस इज LH हार्मोन, और ये जो डे है ये है 14th डे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे हमारे धीरे धीरे यहाँ पे हमारे मेंस्ट्रुअल फेज है, फिर हमारा सेकेंड है फॉलिकुलर, ये ओव्यूलेशन, और ये सिक्रेटरी, ठीक है? तो अब जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन है, क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में भी ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ता है, तो ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? और फिर एक टाइम आएगा सिक्रेटरी के बाद तो वो बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे जो हार्मोन्स का लेवल है आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि क्या है कैसे है, तो एक बार उनको देखना जरूर, ठीक है? फिर अपन उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन में। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये सबको समझ आया? यस मैम। आज पीपीटी नहीं थी? नहीं बेटा यार, मतलब आप देखो, अगर ये पीपीटी वगैरह होता ना, तो इसके अंदर ये इतना सब कुछ लिखवा के ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है बस उसको आके बोल दो, एकदम ऐसे पढ़ दिया, वो फील ही नहीं आता यार समझाने वाला, है ना? यहाँ पे क्या एटलीस्ट समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं बन पाते थे, साइड में कोने में लिखना पड़ता था, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए तो चल गया, ठीक है? बट यहाँ पे नहीं चल पाता। देखो सारी चीजें एक साथ कैसे आप रिकॉल कर पाते, फ्लो चार्ट बनाना कहीं कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है? तो अभी आपको ये एक जगह ही क्लियर हो जा रहा है। इससे अगर मैंने, मेरे पास पीपीटी पड़ी है, देखो अगर मैं वो पीपीटी से अगर ये मैं पढ़ाती ना आपको, तो क्या था, एक पे ओवरी होता, फिर अलग ओविडक्ट होता, फिर यूट्रस होता, तो समझ नहीं आता यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक सेकेंड रुको, जैसे एक सेकेंड रुको, है ना, थोड़ा वो डिफिकल्ट सा प्रोसेस हो जाता है, आप लोगों को समझ नहीं आता। एक सेकेंड में आपको एक चीज यही बता देती हूँ। चलो
स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। अभी मैं आपको जो हार्मोन की बात कर रही थी ना, वो एक्चुअली ऐसे ही कर रही थी। ये भी अभी हाथों हाथ देख लो। जैसे मैंने आपको बताया यार, एक फेज चल रहा है, फर्स्ट हमारे यहाँ से यहाँ तक मेंस्ट्रुअल चल रहा है, फिर फॉलिकल स्टार्ट हो रहा है, फिर ओव्यूलेशन है, फिर ल्यूटियल फेज है, फिर वापस देखो मेंसेस स्टार्ट हो जा रहा है। तो कुछ कुछ हार्मोन है जो आपको ना याद रखना है, जैसे एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैंने आपको बोला ना एलएच बढ़ता है तभी ये पूरा प्रोसेस होता है। क्या बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में 11th में पढ़ो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैम 11th में है, फुल फॉर्म पूछो। हाँ वो यार ये सारे हार्मोन है 11th में। तो क्या देखो, अब आप देख रहे हो एलएच होने की वजह से ही यहाँ पे पीक आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। और इस वक्त हमारे ओव्यूलेशन हो जा रहा है, और जैसे जैसे देखो एलएच बढ़ रहा है, एफएसएच बढ़ रहा है, उस वक्त हमारे ग्राफियन फॉलिकल बढ़ रहे हैं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है ना। और फिर हमारे देखो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये कम होना शुरू होंगे, ये कम होना शुरू होंगे तो ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। और इस वक्त हमारा जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम ईस्ट्राडायोल भी बोलते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और एलएच जब होता है ये कम हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन, अब आप देखो क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो मैंने आपको बताया ल्यूटियल फेज होता है, तो देखो बढ़ रहा है आपका प्रोजेस्टेरोन। और अगर आगे इफ इन केस प्रेगनेंसी हमारी नहीं कंटिन्यू होती है तो प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है, समझ पड़ी? और वापस हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, समझ पड़ गया ना आपको? यस मैम। यस मैम। ये ऐसे इनका पूरा सिस्टम चलता है जो आप लोगों को ना देखना थोड़ा जरूरी है। यही मैंने आपको बताया था, ये देखो मैंने एलएच ये बताया था एकदम एज इट इज यही चार्ट, और इसका भी मैंने आपको यही चार्ट बताया था प्रोजेस्टेरोन का, है ना, यही सीक्वेंस चला है देखो प्रोजेस्टेरोन का, ये ऐसे करके बढ़ा है, ल्यूटिनाइजिंग भी बढ़ के कम हुआ है, यही मैंने आपको बताया है। तो यही सारी चीजें चलती है। इज दैट क्लियर? यस। तो अब अपन नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गया है। यस मैम। आपने पीडीएफ नहीं भेजा था वो वाला लास्ट वाला, लास्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है उसको और इसको मैं दोनों को एक साथ भेज देती हूँ, ठीक है? यस मैम। चलो चलो बच्चा, बाय बाय। बाय मैम।